वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफी सारे लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। खून की कमी को पूरा करने के लिए काफी सारा इलाज भी कराते हैं, लेकिन काफी सारे लोगों को इलाज कराने के बाद जब फायदा नहीं मिलता है तो डॉक्टर उनको खून चढ़वाने की सलाह देते हैं। और भाइयों, किसी गलत व्यक्ति का खून चढ़ जाने के कारण उनको काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको केवल 10 दिनों में खून की कमी को पूरा करने का सही तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे बढ़े शेयर कर। तो भाइयों, आपको सबसे पहले पीबीसी का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। इस जांच को कराने पर आपको यह पता लगेगा कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन खून कितना है। भाइयों, अगर इस जांच में आपके शरीर में खून की कमी आती है तो भाइयों, आपको एक अनार सुबह, एक अनार दोपहर को और एक अनार शाम को अनार के दाने खाने होते हैं। एक चुकंदर सुबह और एक चुकंदर शाम को आपको खाना होता है। भाई, आप चाहें तो अनार को और चुकंदर को मिलाकर एक गिलास सुबह, एक गिलास दोपहर को और एक गिलास शाम को जूस पी सकते हैं। भाई, आप पालक को खाएं, सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियों को खूब खाएं, संतरा को खाएं, अंगूर को खाएं और भाइयों, आंवला को खाएं। तो भाइयों, अगर आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो भाइयों, आपके शरीर में जो खून की कमी हो गई है ये समस्या आपकी ठीक हो जाए। लेकिन भाइयों, जिन लोगों के शरीर में बार बार खून की कमी हो जाती है तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं और जांचों को कराकर बीमारी का पता करके उस बीमारी का इलाज कराएं तो आपकी ये समस्या दूर हो जाए। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।